friends. I am Jitendra Kumar Singh. How are you all friends? I think all are fine. दोस्तों आज हम कैनन्स और प्रिंसिपल्स ऑफ टैक्सेशन कराधान का सिद्धांत आज हम इसे बिल्कुल सरल शब्दों में समझेंगे और इसको कहानी के रूप में आप लोग को समझना है। दोस्तों आज का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आज का क्वेश्चन जो आपके स्क्रीन पे है, बाय विच लेजिस्लेशन इंडिया एंड पाकिस्तान वर डिवाइडेड इनटू टू इंडिपेंडेंट कंट्री। किस विधि के द्वारा भारत और पाकिस्तान को दो इंडिपेंडेंट कंट्री के रूप में बांटा गया है। दोस्तों हमें जाननी चाहिए कि भारत और पाकिस्तान का बंटवारा किया गया था तो किस विधि के द्वारा किया गया है। आप इसका आंसर मैसेज सेशन में जाकर मैसेज कर सकते हैं। कोशिश करें कि बिना देखे बिना खोजे आप इसको आंसर दें। कैनन ऑफ टैक्सेशन के बारे में हम एक एक करके सभी को देखेंगे, जिसमें से प्रिंसिपल जो है 12 प्रिंसिपल का जिक्र किया गया है। हम एक एक करके उदाहरण के साथ देखेंगे। इससे पहले हम देखते हैं कि ये जो टैक्सेशन का सिद्धांत है कहां से आया। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री पिथ ने अपनी पुस्तक राष्ट्रों का धन वेल्थ ऑफ नेशन नामक पुस्तक लिखी। यह पुस्तक 9 मार्च 1776 ईस्वी में पब्लिश किया गया। इस पुस्तक के अंतर्गत अध्याय 5 भाग 2 के 2 में टैक्सेशन के 4 सिद्धांतों का वर्णन किया गया है। दोस्तों प्रसिद्ध अर्थशास्त्री एडम स्मिथ का कहना था कि किसी राज का कर निर्धारण करते समय राज को इस मौलिक सिद्धांतों का प्रयोग करना चाहिए। जो उन्होंने सुझाव दिए थे, जो प्रिंसिपल दिए थे, उसको फॉलो करिए, जिससे कि आपके देश में टैक्स को लेकर कभी भी परेशानी नहीं आएगी। ऐसा एडम स्मिथ साहब को कहना था। एडम स्मिथ का सुझाव 1776 ईस्वी में पब्लिश हुआ और 12 साल बाद 1798 में इसे इंग्लैंड की सरकार ने अपनाई। इंग्लैंड की सरकार ने क्यों अपनाई जी, ये भी जानना जरूरी है कि सरकार वहां की क्यों अपनाई। उस दौरान इंग्लैंड और फ्रांस के बीच युद्ध चल रहा था। युद्ध के कारण इंग्लैंड का आर्थिक स्थिति पूर्ण रूप से संकट में आ गई थी। तो इंग्लैंड के सरकार के पास कुछ बजट बचा नहीं था। इंग्लैंड की सरकार ने इसे, यानी जो एडम स्मिथ साहब का जो सिद्धांत था उसको अपनाकर उस संकट से बाहर आया। जो आप ऊपर के 4 सिद्धांत देख रहे हैं ये एडम स्मिथ साहब का दिया हुआ है। कैनन ऑफ इक्वालिटी, कैनन ऑफ सर्टेनिटी, कैनन ऑफ कन्वेनियंस, कैनन ऑफ इकोनॉमी, ये 4 जो है एडम स्मिथ साहब के द्वारा दिया गया है। इसके अलावा और जो सिद्धांत जो आपके स्क्रीन पर दिख रहे हैं ये सब वास्तेवल नामक एक विद्वान ने दिया है। अब हम बात करते हैं कैनन ऑफ इक्वालिटी का। ये क्या होता है? समानता का सिद्धांत। यह सिद्धांत बताता है कि समानता होना बहुत जरूरी है। अगर किसी का इनकम सेम है, जैसे सेम इनकम वाले सेम पेमेंट करेंगे यानी कि टैक्स भरेंगे, अगर कोई रिच है तो वो गरीब के तुलना में ज्यादा टैक्स पे करेगा, अगर कोई गरीब है तो रिच के तुलना में कम टैक्स पे करेगा, ताकि इक्वालिटी बना रहे। यानी कि जितना हम कमाएंगे उतना ही ज्यादा टैक्स पे करना होगा, जितना कम कमाएंगे उतना कम टैक्स पे करना पड़ेगा। दोस्तों एग्जांपल से समझते हैं। किसी का अगर एनुअल इनकम 1 लाख है, ये एग्जांपल के लिए है, किसी का 1 लाख रुपया इनकम है पूरा साल का, तो वो उसके अनुसार टैक्स पे करेगा। अगर जिसका उससे कम है तो उससे कम पे करेगा, और जिसका 20 लाख है तो 20 लाख के जो सरकार ने निर्धारित किए हैं उसके अनुसार पे करेगा। यही कहता है कैनन ऑफ इक्वालिटी, यानी कि जो इंसान जितना कमाता है उतना ही उसको टैक्स पे करना पड़ेगा। कैनन ऑफ इक्वालिटी आप समझ चुके होंगे, लेकिन इसमें एडम स्मिथ ने चेतावनी भी दिया है। क्या चेतावनी दिया है इसके बारे में भी देख लेते हैं।
अधिक कर लगाने से व्यापार में रुकावटें उत्पन्न होंगी और व्यापार को हतोत्साहित करेगी। इस कारण से राज्य को उतना ही कर लगाने की आवश्यकता है जितना आसानी से टैक्स पे कर पाए, उतना ही टैक्स लगाइए जितना कि टैक्स पेयर उसको पे कर पाए। नहीं तो क्या होगा दोस्तों, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। अगर आमदनी बहुत कम रहेगा और खर्चा उससे ज्यादा होगा तो लोग क्या करेंगे, काम करना ही बंद कर देंगे। अब हम दूसरा सिद्धांत के बारे में देखते हैं, कैनन ऑफ सर्टेनिटी। ये जो है एडम स्मिथ का दूसरा सिद्धांत है, इसका मतलब होता है निश्चितता का सिद्धांत। कैनन ऑफ सर्टेनिटी क्या बतलाता है, ये बतलाता है कि गवर्नमेंट के तरफ से जो टैक्स है वो निश्चित होने चाहिए और एक टैक्स पेयर को यह पता होना चाहिए कि कब, कहां और कितना टैक्स पे करना है और किस तरीका से टैक्स पे करना है, जिससे कि उसको टैक्स पे करने में दिक्कत ना हो। नेक्स्ट देखते हैं कैनन ऑफ कन्वेनियंस, सुविधा का सिद्धांत। टैक्स पेयर के लिए टैक्स देना एक बर्डन होता है, टैक्स इस प्रकार से ली जानी चाहिए ताकि टैक्स पेयर को टैक्स पे करते समय बर्डन फील नहीं होनी चाहिए। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, किसी व्यक्ति का एक महीना का कमाई 1,00,000 रुपया है तो 12 महीने का कमाई 12,00,000 रुपया। अगर 12 महीना के बाद सरकार बोलती है कि चलो भाई 1 साल का टैक्स निकालो, फिर टैक्स पेयर कहां से निकालेगा, हो सकता है कि वो पैसा सब खर्च कर दिया, 12,00,000 रुपया था, 12,00,000 में से उसने कहीं इन्वेस्ट कर दिया हो या खर्च कर दिया हो। तो इसलिए सरकार टैक्स पेयर के सुविधा के लिए 1,00,000 जो पेमेंट मिल रहा था उसके जगह पर उसे 90,000 या 95,000 उसके हाथों में यानी कि उसके पेमेंट में दिया जाएगा और उसका जो भी टैक्स होगा उसके टैक्स को अलग कर दिया जाता है, जिससे कि उसे एक साथ देने में ज्यादा समस्या ना हो और वो आसानी से टैक्स को दे सके। अगर वही 1,00,000 की जगह पर उसको 90,000 मिलेगा या 95,000 मिलेगा तो आसानी से अपना काम कर सकता है और उसके साथ ही साथ टैक्स को भी पे कर सकता है। जैसे कि हम लोग जानते हैं फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है और 31 मार्च तक फाइनेंशियल ईयर होता है। तो कैनन ऑफ कन्वेनियंस यही बताता है कि टैक्स पेयर जो भी हैं उनसे टैक्स ऐसा लिया जाए कि उनको ज्यादा बर्डन फील ना हो। अगला है कैनन ऑफ इकोनॉमी, मितव्ययिता का सिद्धांत या अर्थव्यवस्था का सिद्धांत भी बोल सकते हैं। किसी राज्य में टैक्स की मिनिमम कलेक्शन कितनी होनी चाहिए यह निर्धारित करता है और टैक्स पेयर के जेब में से टैक्स निकाला जाए और वो सरकार के खजाने तक पहुंचाई जाए। कहीं ऐसा ना हो कि टैक्स पेयर के जेब से जो टैक्स निकलती है वो सरकार तक पहुंचे ही नहीं, या जो टैक्स वसूली करने वाले कर्मचारी हैं इससे ज्यादा उन पे खर्च हो। यानी कैनन ऑफ इकोनॉमी ये कहना चाहता है कि यदि टैक्स पेयर टैक्स को जब पे करे तो सीधे गवर्नमेंट के अकाउंट में चला जाना चाहिए, न कि वो किसी सेकेंड थर्ड फोर्थ व्यक्ति के हाथों में। एडम स्मिथ ने कैनन ऑफ इकोनॉमी को 4 अवस्थाएं बतलाई है। एडम स्मिथ का कहना है कि टैक्स वसूली करने में टैक्स का रकम से अधिक धन वसूली करने में लगता है तो टैक्स लेना ही नहीं चाहिए। इनकी 4 अवस्था का वर्णन किया गया है, इसमें से पहला अवस्था क्या है वो देखते हैं। टैक्स वसूली करने के लिए जो कर अधिकारी है उनका पेमेंट इतना भी ना हो जाए कि इसके लिए राज्य में एडिशनल टैक्स लगाना पड़ जाए। पहला कंडीशन कहा जा रहा है कि इतना भी टैक्स, जितना टैक्स लेते हैं उनके कर्मचारी पर इतना खर्च न कर दिया जाए कि उसकी वजह से और ज्यादा टैक्स लगाना पड़े। दूसरा बताया जाता है, इसका दूसरा अवस्था है, टैक्स इतना भी ज्यादा ना हो जाए कि लोग काम करना ही बंद कर दें।
तीसरा अवस्था ये बताते हैं कि टैक्स इतना अधिक नहीं लगाना चाहिए जिससे टैक्स पेयर के मन में छल कपट कालाबाजारी तस्करी करने के लिए लालच पैदा कर दे। चौथा अवस्था इन्होंने बताया है कि टैक्स कलेक्शन का ऐसा प्रावधान होना चाहिए कि जो टैक्स को संग्रह करने वाले हैं उनको घर या किसी के व्यापार में इंटरफेरेंस करने के या वहां जाने की आवश्यकता ना पड़े। दोस्तों हमने चार सिद्धांत पढ़ा और चारों सिद्धांत को एक बार रिवाइज कर लेते हैं। कैनन ऑफ इक्वालिटी क्या होता है? सेम इनकम वाले सेम टैक्स पे करेंगे, ज्यादा रिच जो है वो ज्यादा टैक्स पे करेंगे, जो पुअर हैं या जो जिनका इनकम कम है वो कम टैक्स पे करेंगे। दूसरा देखते हैं कैनन ऑफ सर्टेनिटी। इसके अंतर्गत हमने देखा कि टैक्स जो है गवर्नमेंट की तरफ से निश्चित होना चाहिए ताकि किसी को देने में किसी को टैक्स पे करने में उसको आसान हो, आसानी से वो पे कर सके और उसे कब करना है, कहाँ करना है, कितना करना है और किस तरीके से करना हो ये कंसेप्ट क्लियर हो। कैनन ऑफ कन्वीनियंस। कैनन ऑफ कन्वीनियंस के बारे में देख लेते हैं। टैक्स पेयर के लिए टैक्स पे करना एक बर्डन होता है, उसको टैक्स पे करने में कोई समस्या ना हो, उसको कोई बर्डन ना फील हो, इस पर ध्यान देना चाहिए। कैनन ऑफ इकोनॉमी। टैक्स पे करना बिल्कुल आसान होना चाहिए और ये डायरेक्ट सरकार के खजानों में पहुंचनी चाहिए, नहीं तो क्या होगा कि इनके कर्मचारी में अगर ये पैसे बढ़ते रहेंगे तो फिर सरकार के फंड में या सरकार के खजाने में ये पैसे नहीं पहुंच पाएंगे, इसका ध्यान इसमें दिया गया है। इन चार सिद्धांत के अलावा और भी सिद्धांत है, इन सबको अगले लेक्चर में कवर करेंगे। अगर आपको इस चार सिद्धांत में कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेशन में जाकर कमेंट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।